अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी फूड सीरीज़ का दूसरी एपिसोड है और आज हम लोगों ने जो चूज़ किया है रेस्टोरेंट वो है लाफा द बेस्ट ब्रोस इन दुबई। लिटरली अभी तक मैंने इससे बेस्ट ब्रोस नहीं ट्राई किया कहीं भी। तो आज का जो हमारा बजट है वो है 30 dirhams का। हमें फूड लेना होगा 30 dirhams के अंदर और आई थिंक सो बेस्ट क्वालिटी भी है और बेस्ट क्वांटिटी भी है। तो आज हम लोग लाफा जा रहे हैं, लाफा की हम लोग बर्शाली ब्रांच में जा रहे हैं। तो राइट नाउ अभी हम लोग इंटरनेशनल सिटी से निकल रहे हैं, रात के कोई 8:30 हो रहे हैं। तो अभी हम लोग जाएंगे लाफा और वहाँ पे काफ़ी रश होते हैं, आपको बता दूँ पहले, इसलिए मतलब आपको वहाँ जाके वेट करना पड़ता है। आपको नंबर मिलता है, आप नंबर के अकॉर्डिंग आप जाके वहाँ पे आपको टेबल मिलता है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले अभी हम लोग चलेंगे वहाँ पे और देखते हैं कि हमें वहाँ पे क्या मिलता है। अम्मा जी भूख लगी हुई है? हाँ जी बेटा लगी हुई है। तो अभी चलें, आपकी भूख का हम लोगों ने इलाज किया, हम लोग जा रहे हैं लाफा पे ब्रोस चिकन खाने। तो आप एक्साइटेड हैं? आपको पसंद है लाफा चिकन? आपने कितनी बार खाया है? एक बार या दो? अच्छा चले फिर अभी जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से पहुँचेंगे। आप एक्साइटेड हैं लाफा में जाने के लिए? बिल्कुल। आई थिंक आपको बहुत पसंद है लाफा ना? बिल्कुल, मुझे काफ़ी पसंद है। मैंने ब्रोस्ट काफ़ी जगहों पे खाया है। अभी आई थिंक आप रिव्यू करेंगे उसका, एक और जगह जो आपको पता है बहुत फेमस है गरबा। हाँ तो गाइस आज हम एक जो है ना एक और जगह रिवील करेंगे, नाम नहीं रिवील करूँगा लेकिन मैंने एक और जगह का ब्रोस्ट का रिव्यू करना है, फूड चैलेंज करना है। वो जगह दुबई में नहीं, गलबा में है, बट वो भी बहुत बहुत टेस्टी है। उसका भी ब्रोस्ट है, लाइक अगर मैं रेट करूँ तो लाफा और जो गलबा में मैं आपको बता रहा हूँ वो उसको हम सेम लेवल पे रेट करेंगे, ठीक है ना। दोनों में दोनों का एक ही लेवल है और नेक्स्ट लेवल है, बाकी मज़े का ब्रोस्ट होता है। तो इंशाल्लाह उसका चैलेंज, उस जगह की फूड चैलेंज हम जल्दी से ही कोशिश करते हैं कि उसका शूट कर लें और फिर आपको बताएंगे कि कौन सी जगह है वो। सो हम लोग बर्शा पहुंच चुके हैं और रश काफ़ी है क्योंकि वीकेंड है, तो रश काफ़ी है। मैंने जैसे आपको पहले बताया था पार्किंग भी अभी ढूंढना एक जो है ना हमारे लिए टारगेट होगा। तो लेट्स सी हमें पार्किंग कितनी देर में मिलती है और कितनी करीब मिलती है। लाफा हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, ये आपके सामने वाली बिल्डिंग में आपको जो लेफ़्ट पे नज़र आ रही है इसमें ही है लाफा। तो लेट्स सी पार्किंग हमें कहाँ मिलती है। तो यार ये जो बर्शा का ये वाली साइड है टोटली नहीं डेवलप है, आप देख सकते हैं। खैर लाफा आ चुका है लेफ्ट पे, तो ये साइड बर्शा की टोटली नहीं डेवलप हुई है, बनी है, ठीक है। आज से कुछ साल पहले ये नहीं था, तो टोटली एरिया नया है और काफ़ी चल रहा है, लाइक काफ़ी आबाद हो चुका है ये एरिया जो है ना। इधर लोगों को काफ़ी आने जाने में मतलब लाइक वीकेंड्स पे तो आप देख सकते हैं हाल के पार्किंग दूर दूर तक नहीं है। तो ये सीन है सारा बर्शा का। तो हमें पार्किंग कहीं उधर लाफा के सामने नहीं मिली लेकिन ये हमें पार्किंग स्पेस में मिल गई जो कि बिल्कुल अपोजिट है लाफा के, तो ये भी ठीक है, ये बेस्ट सीन हो गया। मामा पेड है लेकिन ये है कि आज फ्राइडे है तो फ्री है पार्किंग। हॉलीडेज़ पे पब्लिक हॉलीडेज़ जो होती हैं उस पर ये फ्री होती है पार्किंग। फ्राइडे को फ्री होगी, सैटरडे को भी फ्री होगी या नहीं? सैटरडे को नहीं फ्री होगी, सैटरडे को कुछ जगह पे होती है, सैटरडे को भी फ्री लेकिन कुछ जगह पे नहीं भी होती, तो ये सीन है। सो गाइस वी आर एट लाफा और अंदर रश नज़र आ रहा है काफ़ी, तो देखते हैं हमें कौन सा नंबर मिलता है, ये कितना टाइम लगता है। लेट्स गो इनसाइड। ये गाइस शोरमा बन रहा है, लेट्स सी कैसा मिलता है, यार टेस्ट वैसे बहुत अच्छा है इनका। सो गाइस हमारा सेकंड नंबर है, तो फर्स्ट पे कोई है और दूसरे जो भी टेबल खाली होगा वो हमें मिलेगा। यहाँ पे लाइक नंबर्स होते हैं, फर्स्ट पे कौन है, अभी हम लोग सेकंड नंबर है तो फर्स्ट पे एक और फैमिली वेट कर रही है, सेकंड पे हमारा नंबर है, तो जैसे ही दूसरे टेबल कोई खाली होगा तो हमें मिलेगा। सो गाइस हम लोग
रोस्ट चिकन में से चूज़ करेंगे हाफ रोस्ट चिकन, दैट इज़ अ फोर पीस, 25 दिरहम्स का है, तो इसको करते हैं और देखते हैं कैसे। यार यहाँ की एक अच्छी बात है, एक बुरी बात भी और एक अच्छी बात भी है। बुरी बात यह है कि आपको वेट काफ़ी करना पड़ता है, लाइक थोड़ा सेटअप छोटा है इनका तो आपको वेट काफ़ी करना पड़ता है। नंबर मिलते हैं आपको, नंबर के हिसाब से टेबल मिलता है, लेकिन जो सर्विंग टाइम है वो इनका बहुत कम है। लाइक आपको ऑर्डर विद इन 5 मिनट्स आपको ऑर्डर मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये सबसे अच्छी बात है यहाँ की, आपको सर्विंग के आपको ऑर्डर करके इंतज़ार नहीं करना पड़ता ज़्यादा, लेकिन हाँ टेबल के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ता है। तो ये सीन है यहाँ का। तो अभी हम लोगों ने ऑर्डर कर दिए, अभी हम लोगों ने ऑर्डर किया है हाफ रोस्ट चिकन, तो लेट्स सी बस आने ही वाला होगा, देखते हैं। तो आवर ऑर्डर इज़ हियर, मैंने जैसे कहा था तकरीबन आई थिंक से 3 से 4 मिनट लिए बुलाने में, आ चुके हैं हमारा ऑर्डर। और आप देख सकते हैं कि ये 4 पीस रोस्टेड चिकन है, स्पाइसी है, और ये बेसिकली फ्राइज़ है जो कि बड़ा यूनिक तरीका है जो फ्राइज सर्व करने का, और उनका जो टेस्ट है वो अमेजिंग आप देख सकते हैं। टेस्ट तो मैं आपको भी खा सकता, लेकिन ये है कि लुक भी अमेजिंग है और टेस्ट भी अमेजिंग है। और इवन द चिकन पीस है, चिकन पीस भी देखें जूसी है और टेस्ट कमाल का है। तो यार ये साथ इसके कुछ लवाजमात हैं, इसमें ये आपका पिकल है, गार्लिक सॉस है, चिली गार्लिक, और ये आपका हुमस है, और नीचे आपका सिंपल टोमेटो केचप है। तो ये सब कुछ है, ये सब कुछ 25 दिरहम्स का है। और हमने साथ ऑर्डर की है वाटर बॉटल, 2 दिरहम की है, तो लाइक 27 दिरहम्स के टोटल हो गए। तो जो 3 दिरहम में हम लोग ऑर्डर करें जो हमने की है वो है कोक। सो अभी हमें कुछ अभी हमें ये रिसीव हो गया, कोक अभी आदमी बाकी है। तो आप देख सकते हैं, ये आपको पीस दिखाता हूँ कि आप देख सकते हैं पीस कितना जूसी है। तो गर्म है काफ़ी यार, तो खा नहीं जाऊँगा, लेकिन ये कि ये ओवरऑल है। तो ये है कि यार अभी हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं खाना और देखते हैं कि कैसा टेस्ट है। आई नो टेस्ट अच्छा ही होगा, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी विल ट्राई द फ्रेंच फ्राइज। इट्स अमेजिंग यार, कभी जो जो बंदे दुबई में हैं वो लाजमी आके ट्राई करें, और जो पाकिस्तान में या दूसरे ममालिक में, उनको मैं कहूँगा जब वो दुबई आए उनको लाफा लाजमी ट्राई करना यार। इट्स अमेजिंग। अब हम ट्राई करते हैं इनका चिकन पीस, देखें कैसे धुएँ निकल रहे हैं। लेट्स सी, बहुत गर्म है यार, अमेजिंग यार। जो रियल मीनिंग है ना चिकन का वो ये लोग जानते हैं, बहुत मज़े का टेस्ट है और बहुत जूसी है। अभी रियली मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता वर्ड्स में, वैसे भी कह सकता हूँ कि ट्रायल आदमी करना। तो यार अभी हम लोग वो बस ओपन कर रहे हैं, तो अभी हम लोग ट्राई करते हैं खुबस के साथ चिकन। यहाँ पे बड़ा ट्रेंड है खुबस लाजमी सर्व किया जाता है, और जो कि काफ़ी अच्छा भी होता है खुबस। तो लेट्स ट्राई, अमेजिंग।
अरे आप लोग देख सकते हैं कितने लोग रश में खड़े हुए हैं सिर्फ वेट के लिए कि इनको अंदर टेबल मिले। तो भाई ये इनका सीन है, बहुत चलता है, बहुत कस्टमर है लाफा का। तो फाइनली गाइस हम लोगों ने खाना खा लिया है, हम लोग बाहर आ चुके हैं और आप लोगों ने देखा कि खाना काफ़ी दिखने में भी अच्छा था और टेस्ट में भी बहुत अच्छा था खाना, नो डाउट। लाफा को इसमें हम लोग 10 में से 10 रेट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो आपको इन रेस्टोरेंट्स में होती है कि आपको कितने टाइम में ऑर्डर मिल रहा है। तो सर्विंग टाइम इन लोगों का बहुत कम है, लाइक विद इन 3 to 4 मिनट्स हमारा ऑर्डर हमारे पास आ चुका था। और सर्विसेज बहुत अच्छी हैं इनकी, जो स्टाफ है बहुत कोऑपरेटिव है और फास्ट सर्विस है। लाइक आपको किसी के लिए आप बार बार जो है ना वेटर को बुला नहीं रहे होते कि लाइक की बात सुन लो ये कर लो, फ़ौरन स्टाफ आपका जो है ना आपका जो भी मसला होता है उसको सुनता है और फ़ौरन आपको खाना सर्व किया जाता है। तो आपने देखा ये 30 dirhams का चैलेंज था, तो ये सारा जो भी हम लोगों ने खाना खाया है ये 30 dirhams का था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कंटेंट पसंद आया हो, ये मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।